from all walks of life, either they are Muslim, Hindu, Sikh, Christian, or any kind of religious activities they have belonged to. They united together in the name of Shami Mela. And it is one of the most dignified day in the history of West Bengal that today Shami Mela has created a lot of history. And he is one of the social activists in the field of Muslims in West Bengal. आप अपना नाम बताइए और आपको कैसा लग रहा है ये आज? मोहम्मद महबूब रजा, मैं मोहम्मद महबूब रजा बोल रहा हूँ। मैं सरपरस्त अखबार का वज़ीर आला हूँ। मैं बंदर और अखबार निकालता हूँ, पढ़ता हूँ। ये शमी महमूद साहब के जो कारनामे हैं, जो इनकी खिदमात है, अगर इसकी खिदमात को मद्देनजर रख करके, इनके कारनामे को मद्देनजर रख करके, अगर अभी भी ममता बनर्जी पूरी रियासत में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा नहीं देती है तो शायद ये हुकूमत के लिए, ये ममता बनर्जी के लिए, शायद मैं भी आने वाला कल उसके लिए नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी वज़ीर आला ममता बनर्जी से मैं बोलना चाहता हूँ। मैं उनसे एक चीज़ मशवरा के तौर पे तो नहीं, मैं अपनी बातें कहना चाहता हूँ तमाम मुसलमान भाई की तरफ से, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उर्दू मतवालों की तरफ से, तमाम फदाइन उर्दू वालों की तरफ से। अगर अभी भी इनको आंखों के सामने नज़र नहीं आता है, उर्दू 13 म्यूनसिपल्टी 3 ब्लॉक में नहीं बल्कि पूरे मगरबी बंगाल में उर्दू बोलने वाले रहते हैं। कमोबेश हम लोग 25 से 30% पूरे मगरबी बंगाल में रहते हैं। जो एक चीज़ मद्देनजर रखिएगा कि झारखंड में, झारखंड की सरकार ने सिर्फ 3% बंगाली पूरे झारखंड में रहते हैं, मगर झारखंड में बंगाली दूसरी सरकारी जबान है। 3% बंगाली को झारखंड में दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिल सकता है तो मगरी बंगाल में कमोबेश 20 से 25% उर्दू बोलने वाले, उर्दू जानने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू फदाई रहते हैं तो उर्दू में पूरे मगरी बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, जितना कि हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। जो फदाई ने उर्दू है, जो जाथा का जाथा, सैलाब दस सैलाब, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठहर रहे हैं, लोग बैठने के लिए चेयर नहीं है, जगह नहीं है, मतवालों का ऐसा आलम हो गया है खड़े होकर के लोग मंजर देख रहे हैं। ये कौन सा सभा है, ये कौन सी मीटिंग है, कौन से पार्टी के लोग रहते हैं यहाँ पर? एक ही चीज जवाब मिला, ये उर्दू के मतवाले हैं, ये उर्दू के सदाई है, ये उर्दू के चाहने वाले लोग हैं। Mumbai, and basically they are from West Bengal, and it's good honor for me to cover all the program. We have one more special guest. He is from Bihar, and he is taking the charge of Bihar Commission, and he is all together from Bihar. और जो उर्दू को सीखेंगे वो अभी तरक्की के तमाम मंजिल। और मगरी बंगाल से, चूँकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि मगरी बंगाल और बिहार में क्या आपको डिफरेंस नजर आया उर्दू के ताल्लुक से? मगरी बंगाल और बिहार में ये ताल्लुक नजर आया कि यहाँ के लोग जुबान को जान से ज़्यादा अजीज है। आज का दिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डे रहा है, तो इनका भी बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है इस दिन को कामयाब दिन बनाने में। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो एक बीड़ा उठाया इस पूरे कौम के लिए, तो आपको आज का दिन के ताल्लुक से क्या कहना है, कैसा फील? मैं नहीं कहती कि सवेरा कर दे, दो काम में बस एक काम मेरा कर दे, या रोशनी इस कदर तेज करके कुछ देख सकूं या और भी घंघोर अंधेरा कर दे। एक्चुअली देखिए, व्हाट वी आस्क्ड द गवर्नमेंट, नथिंग बट अ सिंपल थिंग टू रिकॉग्नाइज यू एज द सेकंड ऑफिशियल स्टेटस इन बेस्ट पीपल। शी हैज कमिटेड बिफोर द इलेक्शन व्हाट शी सेड, व्हेन शी विल कम टू द पावर शी विल रिकॉग्नाइज यू एज द सेकंड ऑफिशियल स्टेटस इन बेस्ट पीपल। बहुत सिंपल सी बात है भैया, 3-13 की बात छोड़ो, 9-19 की बात करो। हम तो दीघा के सहयोग से लेकर दार्जिलिंग के पहाड़ों तक है, हमें मगरी में बंगाल में हक चाहिए। वरना आज मेरे बच्चे के पास जो MA BA की डिग्री है, महज ताक में रखे हुए कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। So do you think that today the step that you have taken with your team, Shami Mela, and all the people from all district, 19 district, so do you think that all these people have given you extra mileage for the route to success? Yeah, I am highly honored, I am highly pleased to them. जो मेरे मगरी में बंगाल की उर्दू आवाम में बेशक उनके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आज उर्दू बोलने वालों की वजह से ये तहरीक इतनी कामयाब हुई है। उन्होंने अपने काय शमी मेहमत पर भरोसा किया, अपनी बहन शाइस्ता बानो पर भरोसा किया, और यकीन जानिए हम सर कटा तो सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच शमी मेहमत की इस प्रोग्राम में। सर उर्दू के मुतालिक कुछ कहना चाहिए? हाँ, ये जोश बरकरार है।
और शमीम अहमद के मुतालिक थोड़ा सा बस अभी हटाइए पार्टी से अलग हटके जो कंट्री के लिए अच्छा हो उसके लिए चिंगारी को सुखाया है। मेरे ख्याल से हम लोग बिहार में बहुत सारे ऐसे ऑल टीम पूरे हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ।